आज एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार से रजिस्टर्ड एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, यहाँ एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यालय में हमारे तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर जाकिर शरीफ सैयद भाई और हमारे आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर यहाँ पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले तो उनका एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यालय में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अगर मैं एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में शॉर्ट में अगर कुछ बताना चाहूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से, तो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा संस्थान है जो भ्रष्टाचार उन्मूलन की जागरूकता के लिए पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। और हमारी टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं हर स्टेट में, अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन के उद्देश्यों को आगे बढ़ा रही हैं। उसमें तेलंगाना में जो हमारे सैयद भाई हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी टीम जो कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य कर रही है, और इन्होंने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो कि नेशनल लेवल का कार्यक्रम था उसका आयोजन हैदराबाद में किया। उसमें हमारे पैटर्न फिल्म जगत के एक बहुत बड़े स्टार चरित्र अभिनेता रजा मुराद जी, जो कि उन्होंने वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ पर उपस्थित रहा एज ए मुख्य अतिथि के रूप में, और वहाँ पर बहुत से लोगों को सम्मानित किया गया, जो बहुत से मीडिया के लोगों को जो कि नेशनल लेवल के वहाँ पर जो मीडिया जगत के चेहरे हैं जाने माने, उन्होंने भी वहाँ पर शिरकत की। और एक बहुत अच्छा संदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन की जागरूकता के लिए सैयद भाई के द्वारा वहाँ पर दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को, भारत के आवाम को एक संदेश देना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कहीं ना कहीं आम आदमी द्वारा की जाती है। जब हम अपने काम को जल्दी करवाने के लिए, अपने आप को दूसरों के आगे बड़ा करने के लिए हम रिश्वत का सहारा लेते हैं। अगर हम खुद की से शुरुआत करें, अगर हम खुद से शुरुआत करें, खुद को पूरा ईमानदार बनाएं, सबसे पहले ये प्रण लें कि ना हम रिश्वत लेंगे ना हम रिश्वत देंगे, तभी हम किसी दूसरी व्यक्ति को, किसी दूसरे अधिकारी को ये कह सकते हैं कि आप रिश्वत मत लीजिए। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो दीमक की तरह देश की जड़ों को खोखला करता है। लेकिन आज आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी जागरूकता आई है समाज में, लोग जागरूक हो रहे हैं। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया भी मीडिया के माध्यम से, आम लोगों के सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। सर, अभी तक आपके कितने मेंबर्स बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया? अभी तक एक्चुअली क्या है, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है। लोगों की धारणा कई बार रहती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और ना ही भविष्य में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का कोई ऐसी सोच है कि हमने कोई राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना है। हम बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी अच्छी सोच के साथ भ्रष्टाचार उन्मूलन की जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं, और हम क्वालिटी पीपल को ही, जो बड़े ईमानदार सच्चे लोग हैं, उनको ही हम एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ जोड़ते हैं। और अगर मैं गिनती की बात करूं, तो लगभग 10,000 जो हमारे टीम मेंबर हैं वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट्स में कार्य कर रहे हैं। और
क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी सोच बिल्कुल सच्ची हो, बड़ा ईमानदार हो, देश के प्रति सच्ची सोच रखता हो, वो अकेला आदमी भी एक व्यक्ति ही एक समाज को बदलने की जो है वो कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी होता है। अगर मैं आपको आज़ादी आंदोलन की तरफ लेकर जाना चाहूँ तो जो